तो पूरी डिसिप्लिन के साथ लाइन से लो निकल रहा है हॉस्टल का बच्चा, लाइन नहीं तोड़ेगा ठीक है। तो अभी यहाँ पे असेंबली शुरू होने वाला है, सारे बच्चे लाइन पे खड़े। हमको मन की शक्ति देना। अभी जस्ट 4 बज रहे हैं, मैंने पूरा ट्यूशन खत्म किया, मैं ट्यूशन का पास में ही हूँ, ड्राइंग घुसने का समय इनको दे दिया, मैं फट रहा था मेरा। तो ये था वो पार्सल जिसको लेने के लिए मैं आया था। बाय बाय, अच्छा से पड़ेगा सब लोग। और गाइस यहाँ पे 2 कपड़ा पापा ने मुझे दिया है, देख लो कैसा कपड़ा। ये वाला जो है ये कार्गो पैंट है, बहुत ही बढ़िया वाला पैंट। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अ बॉय प्रीतम वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद प्रीतम। होप्स आप जहाँ भी होंगे ताबड़तोड़ मस्ती कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो आप सुबह सुबह देख रहे होंगे मैं एक फॉर्मल ड्रेस में हूँ। एक्चुअली आज से हमारा स्कूल फुल प्लेस शुरू होने वाला है, तो मैं अभी जाऊँगा, 8:15 से असेंबली है, सारा चीज़ें आपको दिखाऊंगा। एंड ये डेली व्लॉग्स को बहुत सारा प्यार दीजिए, आप ऑलरेडी दे ही रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मेरा टारगेट है अपना 8 अक्टूबर तक, मेरे बर्थडे तक 10K क्रॉस कर जाए। वो टारगेट को पूरा करने के लिए आपका ही सपोर्ट चाहिए, और आपका वजह से ही मैं आज मोटिवेट होके सारा प्रॉब्लम को पीछे रख के इस ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ और आगे भी करते जाऊँगा। तो ढेर सारा प्यार दीजिए और मैं ज़बरदस्त वीडियो आपको देते रहूँगा। तो बाहर वेदर चेक करें, आज के वेदर है काफ़ी बारिश। मैं कल बारिश में ही पासीघाट से यहाँ पर आया था, तो बारिश लगातार लगे हुए और होना भी था, क्योंकि अपना वेदर इतना ज़्यादा इम्बेलेंस हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा धूप था, तो उसको बैलेंस करने के लिए ऐसा वेदर होना भी पड़ेगा। और अभी सीज़न है सोइंग का ना, तो अभी थोड़ा सा बारिश चाहिए भी, ताकि फार्मर्स लोग चावल वावल उगा ले, सोइंग कर ले। तो गाइस अभी चलते हैं, रेडी वेडी हो गए अभी, अबाउट देख सकते हो 8 बजने वाला है, एंड मेरा वीडियो भी आउट होने वाला है, बहुत जल्दी पब्लिश होने वाला है, 8 बजे पब्लिश हो जाएगा, तो उस वीडियो में भी प्यार दीजिएगा। एंड अभी चलते हैं सीधे स्कूल की, और वहाँ जाकर आपको मिलते गए। एक्चुअली काफ़ी अच्छा लग रहा है, और 1 साल बाद में मैं बच्चों को क्लास कराऊंगा आज प्रोफेशनल, मतलब कम्प्लीटली शुरू हो रहा है न्यूली। आगे बच्चे लोग भी जा रहे हैं, आप देख सकते हैं स्कूल का टाइम हो गया पूरा, तो चलते जाके मिलाते हैं हम लोग। हम है लिटिल स्कूल हॉस्टल में, और यहाँ का बच्चे लोग को देखिए, सब रेडी हो गया ऑलरेडी, सारे जाने वाले अभी स्कूल। तो पूरी डिसिप्लिन के साथ लाइन से लो निकल रहे हॉस्टल का बच्चा, लाइन नहीं तोड़ेगा ठीक है। सब स्कूल की ओर वार्निंग बेल भी मार दिया, वहाँ बच्चे लोग जा रहे हैं देखिए। तो अभी यहाँ पे असेंबली शुरू होने वाला है, सारे बच्चे लाइन पे खड़े हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ पे छोटा बच्चे और यहाँ बड़े बच्चे, तो आज पहला असेंबली, काफी एक्साइटेड है बच्चे लोग। तुम लोग एक्साइटेड हो असेंबली के लिए? यस, ये जोर से बोलो, यस गुड। चलो अभी शुरू करते हैं। खुद को जग करे हमको मन की शक्ति देना। गाड़ी है क्लास जाने की, तो मैं अटेंडेंस शीट ले रहा हूँ, और क्लास 5 में मैं क्लास टीचर हूँ, तो क्लास 5 में जाऊँगा अभी। सो नाउ वी स्टडी द चैप्टर नंबर 1, फूड, वेयर डस इट कम फ्रॉम, राइट? व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? फाइंड आउट व्हाट your friend ate today. Do you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? Right? What do you eat today? आपने क्या खाया है? आपका friend ने क्या खाया है? क्या आप same type का food regular खाते हो? Yes or no? नहीं खाते हैं ना? You will eat different types of food every day. Every morning you take Maggie also only. Someday you will take Maggie. Someday you will take pato hoy peanuts ना? Someday you will take bamboo shoot ना? Someday you take chicken might be. Right? Someday you take burger. हम संडे में नहीं रहेगा, बल्कि नहीं बनाया था कल एक्चुअली, तो आज मंडे को बनाने बोला था, बना दिया लेग पीस। वाओ, खाते खाते है अभी, यहाँ कर दिया हमने अपना खाना फिनिश, इतना और खा नहीं पाया, अभी खाएंगे दही। वाओ, खाने का मीट चिकन खाने के बाद दही खाना चाहिए, तब बढ़िया लगता है। 3 hours later गाइस अभी जस्ट 4 बज रहे हैं, मैंने पूरा ट्यूशन खत्म किया, मैं ट्यूशन का पास में ही हूँ, एंड आज मैं कार को लेके आया था, रीज़न बिहाइंड इट, पापा कुछ सामान आने वाला है, एंड कार परफेक्टली अभी चलाना सीख गया हूँ, आज फर्स्ट टाइम रोइंग ले जाऊँगा। एंड अभी गाड़ी स्टार्ट है, अभी चलते हैं, पहले अमित जी को उठाते हैं सिक्योरिटी के लिए, एंड
देखिए ब्लॉग कैसा होता है, कोशिश करूंगा अच्छा से अच्छा ब्लॉग देने के लिए, कोशिश तो कर रहा हूँ बहुत सारा सिचुएशन होने के बाद भी, पर विल स्टे स्ट्रॉन्ग एंड करके दिखाएंगे एंड अपने बर्थडे तक इसे 10K तक जरूर पहुँचाएंगे गाइस। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए तो आप लोगों का सपोर्ट थोड़ा तो बनता है ना, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को रोइंग जाके। पहुँच गए हम लोग रोइंग, यहाँ ब्लू डॉट का कुरियर ऑफिस है और अभी रोइंग घुसने का समय इनको दे दिया, मैं फट रहा था मेरा, जाने का समय चलाऊंगा, लेकिन चलते हैं पार्सल ले लेते हैं। तो ये था वो पार्सल जिसको लेने के लिए मैं आया था, तो 2700 रुपया लिया इसका। इसमें काफ़ी टी शर्ट वगैरह है पापा का, मेरा तो नहीं है, बाकी पापा अगर गिफ्ट देना चाहते पीछे रख दिया। और वहाँ बाहर पुंगू जी कुछ सामान वामान ले रहे हैं, तो अभी यहाँ से निकल जाएंगे हम लोग। सो गाइस रोइंग से आते वक्त मुझे थोड़ा सा वक्त मिल गया था, तो हमने ब्रिज में रुके मेरा फेवरेट रील को बनाया। आई होप आपको ये रील बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, आप जाके मेरा इंस्टाग्राम में जरूर चेक कीजिएगा एक्सप्लोर प्रीतम में, बहुत कॉमेडी भी लगा। चलिए चलते हैं अभी दम्बो की ओर। 1 hour later बाय बाय। अच्छा से पड़ेगा सब लोग ना? नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। बाय 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 टाटा बाय 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 मन्ने मन्ने मिचो बाय 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 करो। हाँ अच्छे से पढ़ो, हाँ ये बड़ा, ये बड़ा बच्चा। बाय बाय टाटा बाय 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 टाटा। इधर में कौन है बाय बाय करने वाला? इस तरफ कौन कहे बाय बाय करने वाला? बाय बाय करो, इधर बाय बाय करो, बाय बाय। तो गाइस थोड़ा हॉस्टल में आया था एक्चुअली, शाम को रोइंग से आके यहाँ पे आ गया था। टाटा बाय बाय। यहाँ भी कुछ बच्चे हैं, सबको बाय बाय कर दे। बाय बाय गुड नाइट, पढ़ाई करो अच्छे से। हाँ बाय बाय। तो अभी यहाँ से निकलते हैं घर की ओर। यहाँ पे क्या हो गया? ओह यहाँ तो सीमेंट। टाटा बाय 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 आपुम बाय बाय। घर की ओर निकले, बाय बाय। घर की ओर निकलते हैं। यहाँ पुंगू जी की गाड़ी, बहुत रात हो गई है, घर जाके मिलते हैं। तो गाइस फाइनली घर पे आ गए। घर पे आके नहा वहा लिए, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था एक्चुअली, और स्कूल में बच्चों के साथ काफ़ी खेले ना, तो इसलिए पूरा पसीना पसीना हो गया। तो आके नहा वहा के फ्रेश हो गए। अभी जो हमने पार्सल लाया था उस पार्सल को खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। एक्चुअली मैंने इसमें बहुत सारा टी शर्ट्स ऑर्डर दिया था, तो अभी इस पैकेट को फटाफट खोलते हैं। मैं एक हाथ से खोल रहा हूँ, सो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है गाइस, तो उसे खोलते देखते हैं क्या क्या अंदर से निकलते हैं। तो ये निकला पहला टी शर्ट, ये भी है पापा का। अब निकलेंगे दूसरा, ये दूसरा, ये टी शर्ट है मेरा, एंड ये तीसरा पैंट भी, ये भी है मेरा, मैंने दो अपना लिए ऑर्डर किया था, एंड ये चौथा वाला भी है पापा का आई थिंक सो। देखते देखते क्या, यस ये बिली वाला भी पापा का, एक्सेल है ना, पापा का है ज़रूर। एंड ये पांचवा, अरे निकल जा भाई, निकल जा निकल जा निकल जा, निकल क्यों नहीं रहा यार, अरे निकल जा भाई निकल जा। ये पांच वाला भी मेरून कलर का, ये भी है पापा का। तो 3 t-shirt टोटल हमने पापा के लिए लाया है, एंड 2 इसमें मेरा है। तो अभी फटाफट से इसे खोल के दिखाते हैं कैसा ये टी शर्ट, एक्चुअली तीनों काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, चलिए खोलते हैं। तो ये वाला एंड ब्लैक वाला एंड ये ब्लू वाला, ये तीनों पापा के हैं, आपको खोल के प्रॉपरली दिखाते हैं। देखिए गाइस रिलैक्स बिलीव एंड वेयर, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आप पापा को बुलाते हैं और पापा को पहना के दिखाते हैं आपको कैसा जच रहे है पापा पे, चलिए। और गाइज यहाँ पे 2 कपड़ा पापा ने मुझे दिया है, देख लो कैसा कपड़ा है, बहुत बढ़िया है, मैं आपको कम्प्लीटली दिखाता हूँ। ये वाला जो है ये कार्गो पैंट है, बहुत ही बढ़िया वाला पैंट मिला मुझे, एंड बहुत वो है जो फैब्रिक है ना, बहुत बढ़िया। और ये जो मैंने ओवर साइज टी शर्ट लिया, पीछे में देखिए क्या लिखा हुआ है, मुसाफिर, क्योंकि मैं राइडिंग करता हूँ, और ये ओवर साइज टी शर्ट है तो गर्म में पहनने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। आप देखिए कमेंट करके जरूर बताइए, एंड थैंक यू पापा इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। ऑफ रोड मुसाफिर, ये देख सकते हैं ऑफ रोड मुसाफिर, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी कम्फर्टेबल है, ये भी बहुत कम्फर्टेबल है और ये भी।
A few moments later. तो बाहर है गाइस बारिश और रात की 10 बजने वाला है, तो मैं अपना डिनर कर लेता हूँ, फटाफट जाके डिनर निकलते हैं गाइस। चलिए ये अपना किचन, और सबसे पहले बारिश का आवाज सुनाई दे रहा होगा आपको। सबसे पहले यहाँ से एक थाली निकालते हैं एंड इस पे अभी राइस डालेंगे। मेरा खाना मम्मी ने यहाँ रेडी करके रखा है, आपको अंधेरा में दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ मैं चिकन और ये बासमती राइस, तो थोड़ा सा है राइस, मैं रात ज़्यादा नहीं खाता हूँ, रात को इतना ही खाऊँगा बस। और यह है चिकन, थोड़ा डाल लेते हैं इसमें, राइस को ना वेस्ट नहीं करना चाहिए। दो तीन दिन से थोड़ा वीडियो क्वालिटी का डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, मेरा लेंस थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, पता नहीं जब बुरा दिन आता है एक साथ आता है, ऐसा क्यों होता है गाइस। और दाल को रख दे रहे हैं यहाँ पे। अब पहले लेके चलते हैं चावल को टेबल में। अब लेके आते हैं चिकन और पानी। यहाँ पे चिकन 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 गाइस चिकन, हाँ 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 हाँ। अब लाते हैं पानी, ये है पानी, हो गया। अब खाने बैठते हैं गाइस, तो अपना रेडी खाना फटाफट से खाते हैं गाइस। ये है चिकन और ये है राइस। तो घर पे चिकन एक्चुअली सब लोग खाते हैं, लेकिन मेरे लिए बनाया, तो पापा मम्मी अभी थोड़ा सा डाइट पे है, आपको पता है उन लोग मिलेट विलेट खाते हैं ज़्यादा, इन लोग स्पाइसी फूड नहीं खा रहे हैं ना, मम्मी का भी शुगर है, पापा का हाई प्रेशर है, तो ये सब खाना मेरा ऊपर ही चलता है। अभी खाते हैं फटाफट गाइस, मुंह में पानी आ रहा है, नहीं रह सक रहा हूँ, भूख भी बहुत जोर से लगा है, खा लेते हैं फटाफट। मम्मी का हाथों का कमाल ही कुछ और है गाइस, हर किसी का मम्मी घर का खाना जो बाहर रहते हैं बहुत मिस करते हैं, तो मैं हमेशा वक्त तो नहीं मिलता हमेशा, पर जब भी वक्त मिलता है तो घर का खाना चख लेता हूँ, अलग ही मजा है उसमें। जो कोई भी अपनी मम्मी का हाथों का खाना मिस करते हैं कमेंट जरूर करना, और किसी दिन खाना हो तो मेरे घर आ जाना। तो मेरे भाइयों खाना कंप्लीट हो गया, अब फटाफट से कुछ देर लाइव जाते हैं। एक्चुअली मैं रेगुलर इंस्टाग्राम लाइव जाता हूँ, पर यस्टरडे में गया था लाइव, आज नहीं गया, समय नहीं मिला मुझे थोड़ा भी। तो लाइव से क्या होता है ना, इंट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है लोगों से, अपने सब्सक्राइबर्स लोगों से, अपने फैमिली लोगों से, इसलिए मैं हमेशा लाइव जाता हूँ। बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं आप बार बार लाइव क्यों आते हो, बार बार नहीं आता हूँ, हर एक दिन मेरा टाइमिंग होता है जब मैं लाइव आता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है, क्या जानूँ आगे जाके लाइव जाने का जरा मौका नहीं मिलेगा, तो अभी इनिशियल टाइम है तो लोगों से बात करता हूँ, लोगों से कनेक्ट होता हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो विदाउट यू वेस्टिंग योर टाइम, चलिए फटाफट लाइव चलते हैं एंड देखते हैं कितने लोग हमको बात करने आते हैं, कितने लोगों से मिल पाते हैं। चलिए, सो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लाइव चल रहा है एंड मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बस अपने लाइफ का जो मेरा जो मैंने स्पेंड किया अपना लाइफ में, जो एक्सपीरियंस किया लाइफ में, वो कुछ ही शेयर करता हूँ। मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनने का शौक नहीं है एक्चुअली, तो कोई मत बोलना कि भाई मोटिवेशनल स्पीकर बन गए बोल के, तो हाँ जो मेरा लाइफ में है वही चीज़ शेयर करता हूँ, और इससे अगर आप मोटिवेट होते हो और आगे बढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है ज़रूर। तो काफ़ी अच्छा लाइफ चल रहा है अपना, और थोड़ा बातें करते हैं। सो गाइस फाइनली डिनर उन्हें कंप्लीट हो गया, मुझे पता नहीं आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा होगा, जस्ट एक रैंडम ब्लॉग बनाया था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी 5K कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं फिर से नए दिन में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपनी मन की करें और अपने दिल के साथ। दिस इज बॉय प्रीतम साइनिंग आउट, जय हिंद जय भारत, पीस एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बाय बाय, टेक केयर।